हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 में हमें दे रखा है, अ मोटर बोट हूज स्पीड 20 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ वर्डिंग की मतलब बताता हूँ कि इसमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। देखो, अब ये मेरी स्ट्रीम है, यानी कि पानी की धारा जो बह रही है, इसकी कोई सेम डायरेक्शन होती है, या तो ये इस तरफ बहेगी या उस तरफ बहेगी। मान लो ये पानी की डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है। मेरी मोटर बोट है इसके ऊपर जो कि फ्लोट कर रही है। अगर ये मोटर बोट और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्पीड बोट की होती है और स्ट्रीम की होती है, दोनों की प्लस हो जाती है। मान लो बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, देखो पानी उसे आगे धकेलता है और बोट भी आगे जाती है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मान लो पानी तो इस तरफ ही बह रहा है, लेकिन इस बार मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है इसकी, यानी कि इस तरफ। जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। इस सिचुएशन में क्या होता है, बोट आगे जाना चाहती है बट पानी पीछे धकेलेगा, बोट आगे जाएगी पानी पीछे धकेलेगा, जिसकी वजह से बोट की स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है, यानी बोट में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, तब हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ बोल रखा मोटर बोट की स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी मैं एक्स की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो उसे मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको मैंने क्या माना था, वाई, तो यहाँ पर भी वाई मान के चलते हैं। अगर मैं अब इनकी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकालूँ तो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाएंगी, 20 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में माइनस कर देंगे बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, 20 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ क्या बोला गया है कि इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, ठीक। यानी कि क्या हुआ, जब वो गया इस सिचुएशन में, वो जा रहा है और इस सिचुएशन में वो वापस आ रहा है, ये मान के चलो। जब वो गया तो उसे डाउन अपस्ट्रीम स्पीड में जाना पड़ा, तो जाएगा तो देखो बोट आगे जाएगी पानी पीछे धकेलेगा, तो इस सिचुएशन में उसको 48 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया तो उसको 1 घंटा ज़्यादा समय लगा। जब वो वापस लौटा तो पानी भी उसे धकेल रहा था और बोट भी स्पीड थी, तो वो तेज़ी से आ गया, तो उसे 1 घंटा कम समय लगा। जाने में और आने में 1 घंटे का फ़र्क था, जाने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, आने में 1 घंटा कम लगा, ठीक है। मान लो ये उसका गांव है, वो बोट के थ्रू अपनी कोई नदी बह रही है, उसके थ्रू वो अपने गांव जाता है, तो जाने में इसको गांव जाने में समय लगा मान लो 8 घंटे, एग्जांपल लिया। वापस आया अपने, वापस अपने डेस्टिनेशन पे, तो वापस आने में उसको समय लगा 7 घंटे, तो यानी कि 1 घंटे का फ़र्क आ गया ना। बस यही हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसकी स्पीड क्या है स्ट्रीम की। तो हमें डिस्टेंस दे दिया कितना, 48 किलोमीटर। अब टाइम निकालूं मैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस तो 48 है। जब वो गया तो अपस्ट्रीम स्पीड से था, अपस्ट्रीम कितनी मेरी, 20 माइनस वाई, ये मेरा टाइम आ गया। कब का, जब वो गया, जब वापस लौटा रिटर्न, तब उसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस तो उतना है बट स्पीड कौन सी थी, 20 प्लस वाई किलोमीटर, इतना समय लगा उसे। मैं इन दोनों को कर देता हूँ इक्वल, 48, 20 माइनस वाई, 48, 20 प्लस वाई, ठीक। ये जाने का और ये वापस आने का, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, जब गया
तो मान लो उसे समय लगा 8 घंटे, यहाँ लिख दिया मैंने 8 घंटे, वापस आया तो कितने घंटे लगे? 7 घंटे। कितने घंटे का फ़र्क है? 1 घंटे का। दोनों में किस तरफ प्लस वन करूँ ताकि दोनों टर्म मेरी इक्वल हो जाए? अगर मैं इसमें प्लस वन करूँगा तो 8 और ये क्या बराबर हो जाएंगे? नहीं। अगर मैं 7 में 1 प्लस कर दूँ 8, 8 दोनों बराबर हो गए। इस तरफ मैंने प्लस वन कर दिया। ये मैंने एग्जांपल लिया था ताकि आपको ये समझा सकूँ कि प्लस वन किस तरफ करना है। बस अब इस तरफ फाइल से लेकर सॉल्व कर लेंगे। 48 20 प्लस y = 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम अगले पेज पर सॉल्व कर लेंगे। तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने इन दोनों का लिया LCM, 20 - y and 20 + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 48 20 + y, नेगेटिव इसको इससे गुणा कर दिया, 20 - y = 1। 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 960। 48 को 2 से इससे y से मल्टीप्लाई किया, 48y। 48 को 2 से किया माइनस प्लस माइनस, 48 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी है, a - b a + b = a² - b² और यहाँ पे मेरा बना गया। देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 48 48 96y, नीचे 400 - y² = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 96y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 400 - y², इसको भी इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का था प्लस का हो गया, और ये तो ऑलरेडी प्लस का है ही, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे करने इसके फैक्टर। फैक्टर करने का तरीका, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आया 400y², हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 400y² आ जाए और प्लस माइनस करने पे 96 आ जाए। तो इसलिए मैंने 400 के किए फैक्टर, 200 100 50 25 5 1। अब देखो 400 कब कब आता है, 400 1 जा 400, दूसरा ये भी सोच सकता है 40 × 10 400, ये भी तो सकता है 4 × 100 400, और 200 आ रहा है, 200 2 जा 400। अगला 20 × 20 400, अगला 100 आ रहा है, ये तो मैं पहले लिख चुका 100 × 4, ठीक है, फिर कौन है 50 50 × 8, कितना हो जाएगा 400, ये भी तो सकता है 5 × 80 400, अच्छा मैंने नीचे वाले लिख दिया। फिर अगले नंबर कौन हमारा 50 हो गया, 25 25 को 16 से करेंगे, कितना आ जाएगा 400, अगला 25 के बाद 5 आता है, तो 5 × 80, इसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जितनी पॉसिबिलिटी के हिसाब के दिमाग में बन सकते हैं आप उतने लिख लो। अब उसमें से चेक करो प्लस या माइनस करो तो 96 आ जाए प्लस या माइनस करने पे। तो ऐसा पेयर इसमें ये वाला है, 100 में से 4 गया कितना आया 96, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 400। बाकी इसमें चेक कर लो आप, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इसको फुलफिल कर दे, यानी कि प्लस या माइनस करने पे 96 ले आए। चैन को ट्राई कर लो, चैन को देख लो, चैन को किसी को भी देख लो, 96 नहीं आ सकता सिवाय इसके। तो यहाँ लिखा मैंने y² 100y माइनस का 4y, 100 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 96। तो इन दोनों को मैंने एक साथ रखा, इन दोनों को एक साथ रखा, दोनों में y कॉमन लिया, y प्लस 100। जब भी माइनस दे रखो माइनस कॉमन लेंगे अंदर वालों का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, दोनों में डिवाइड जा रहा 4 का, 4 1 जा 4 का डिवाइड दिया 100, ये दोनों आएंगे एक जैसे हमेशा। अगर एक जैसा नहीं आया तो समझ लेना क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, y प्लस 100 = 0, y माइनस 4 = 4, माइनस का 4 उधर x को आ जाएगा, प्लस का 100 उधर x को आ जाएगा माइनस का। तो यानी कि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा 4, यानी जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 4 km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 km/h।
और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।